इसके अंदर है। एप्पल बगाने स्टेप फार्मिंग है विलेज यू एडवेंचर पार्क। ये मुझे शिलाजीत बेच रहे हैं, बताओ फिर क्या जो नहीं वैसा। हाँ, कोई रैबिट घने वालों वाला रैबिट। भाई मेरा घोड़ा इतना खराब नहीं है, देख लो इतनी सारी स्नो है। माइनस तो शिमला में भाई अभी मैं खाना लेने के लिए जा रहा हूँ। होटल वगैरह कर लिया मैंने, चेक इन कर लिया, होटल दिखाऊंगा अभी। तो भाई अपना चेक इन वगैरह कर लिया होटल के अंदर, होटल भी दिखा दिया। तो एक खाना है, ठंड बहुत है तो थोड़ा सा अल्कोहल ले रहा हूँ, अपना कुरकुरा रोटी और ये अपनी कढ़ी है और इसके अंदर है मटर पनीर। जुगाड़ में काम करना पड़ रहा है यार थोड़ा सा भी। चलो यार खाता हूँ, उसके बाद कल बनाते हैं वीडियो वगैरह। तो भाई सारा तैयारी वगैरह हो गई है अपनी, अब चलते हैं घूमने। पहले जा रहा हूँ कुफरी, सर रूम का नाश मार रखा है मैंने। नहीं ये मत देखो, सारा खलारा फैला रखा है सब कुछ। और एक ये देख लो, मेरा लुक भी देख लो अपना ओवरऑल भाई का। अलमारी में कुछ भी नहीं रखा भाई, अलमारी में कुछ भी नहीं है। लेट हो जाओगे आप रात को, टाइम लग जाएगा है? आते थे टाइम लग जाएगा। अच्छा वो टैक्सी वाले को छोड़ भी देगा ना? हाँ पूरी बात करना उससे। हाँ वापस कहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ से माल रोड कितना दूर है? 12 किलोमीटर। भाई जा रहे हैं अपना कुफरी, बाकी बाहर का व्यू दिखाता हूँ। कब तक आप बहुत आगे तक लगा हुआ जामी वाला? नहीं यहीं है आगे मार्केट तक। अच्छा मार्केट उससे आगे थोड़ा, ठीक है फिर कुफरी होएगा। बहुत ज़्यादा जाम में फंस गए यार बहुत ज़्यादा। ये आपने आगे तक बताया ना कुफरी तक चले गए वाले जाम। सारी गाड़ियाँ लाइन से हैं, यहाँ कोई भी गाड़ी बीच से निकल सकती है। हाँ चलो भाई अपने हॉर्स और राइडिंग वगैरह करने के लिए जा रहा हूँ। डैड मैं कुफरी में पहुंच चुका हूँ और बर्फ़ है, थोड़ी बहुत बर्फ़ है, पहली बर्फ़ गिरी है अभी कल 4-5 मिनट की, तो बर्फ़ है थोड़ी सी, बर्फ़ है यहाँ पर। कल परसों ये थोड़ी सी बर्फ़ गिरी, ये देखो भाई सब कुफरी की बर्फ़। वैसे मेन पॉइंट है नहीं बट यहाँ बर्फ़ है देखने लायक, लोग इसी में एंजॉय। रश देखो भाई हॉर्स राइडिंग के लिए, बहुत ज़्यादा रश है हॉर्स राइडिंग करने के लिए। कंट्री स्टेप फार्मिंग कंट्री, एप्पल बगान ये। हाँ जी एप्पल बगान है, स्टेप फार्मिंग है, विलेज यू एडवेंचर पार्क है। ठीक है। एडवेंचर पार्क में 6 एक्टिविटी है। ठीक है। होटल ऊपर घूम फिर के फ्री हो जाती है, वापिस आना है तो 15 मिनट पहले घोड़े वाले को कॉल करना। चले यार घोड़ा गाड़ी मिल गई है, मैं पूरा यार वाइट पहन के ही आ गया, घोड़ा मुझे पूरा गंदा कर देगा। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी ये जैकेट जो है गाड़ी में छोड़ा हूँ, सही रहेगा यार मेरे लिए। केसर नहीं चाहिए शिलाजीत, यार जवान आदमी शिलाजीत अच्छी है, तुम्हें खाते हो शिलाजीत? हां ये होती है शिलाजीत, ओरिजिनल है तुम्हारे पास? देसी मिलता है इधर से, दिखा पहचान नहीं भाई साहब, इसको माचिस से गर्म करो जिससे घी पिघलता है ना, घी चेक करा सकते हो? चेक करा दूंगा बस करो। के तार निकलती है इसकी, पूरा मेल्ट हो जाएगा, पूरा घी की तरह पिघल जाएगा शिलाजीत अगर रियल होगा तो, अगर मिलावट होगा ना भाई साहब तो पिघलेगा नहीं शिलाजीत, जो है जैसे घी पिघलता है ना घी, उसके अंदर पिघल जाएगा, ये आग नहीं पकड़ेगा शिलाजीत, सिर्फ पिघलेगा सर। ये 10 ग्राम की टुकड़ी है वैसे तो, कोई इतना बाल से बारीक आपको तार।
जलने के बाद में उसको पानी में छोड़ोगे ना, पानी में धागा देगा भाई साहब। ये जो है 10 ग्राम की डब्बी होती है सर, ओरिजिनल है ये, पहचान करवा दूंगा इसकी जो है। एक बूंद पानी में खोलूंगा, पानी में अगर रियल होगा पूरा मेल्ट हो जाएगा सर, पत्ती नहीं बचेगा केसर का। अगर किसी ने घास पत्ती पे कलर किया होगा ना, पत्ती अलग हो जाएगा, कलर अलग हो जाएगा, रियल केसर होगा पूरा मेल्ट हो जाएगा। तो सिंह नाम है सर मेरा, और मैं जड़ी बूटी सेलिंग करता हूँ इधर हिमाचल में। चलो ठीक है, शिलाजीत केसर अगर किसी को मंगवाने का हो तो मुझे बताना सर आप। ठीक है, बता देंगे, बता दें, मेरा घोड़ा आ गया। भाई मेरा घोड़ा इतना हरामी है, बहन से दूसरे घोड़े से लड़ रहा होता है यार। और दूसरे से लड़ रहा था भाई, मारपीट कर ली पूरी। ये भाई सदाबहार बंदा, अलग चल रहा, अलग कह रहा है भेड़ चल चलो, घोड़ा चल चलो। देखो भाई घोड़े कितने सारे हैं। अरे यार ओए कुछ खाना नहीं है, अब ये तो खाना पीना शुरू कर दिया यार इसने। अब भाई को देखो, भाई सबके घोड़े खाते हैं क्या? सबके घोड़े खाते हैं। अरे भैया वो पीछे वाला दे, 70 रुपए है गुल्ले, 70 रुपए गुल्ले है। ये देखो मेरे पैर के पास, रफ्तार देखो भाई की, ये 1500 रुपए लिए घोड़े चलाने के, और मेरे सामने भाई 500 रुपए लिए उसके, सीधा 1000 रुपए का लॉस। जब से आया मेरा लॉस ही लॉस हो रहा है। सब्सक्राइब कर देते हैं अभी उतर के। बिल्कुल करना यार, मैं तुम लोगों की वीडियो बना देता हूँ। तुम लोग मेरे ही चैनल में आ जाओगे, सबको डालूंगा मैं। ठीक है, आप कहाँ से हो वैसे? मैं दिल्ली से आया हूँ भाई, उनको बर्फ वगैरह खाने में ना ज्यादा मजे आते हैं। ओए ओए क्या खा लिया, ओए क्या खा लिया, रफ्तार आ गई इसमें, क्या खा लिया, ये देखो ऐसा नजारा। मेरे वाला घोड़ा है शिलाजीत खा लिया भाई, ऐसा लग रहा है शिलाजीत खा के चल रहा है मेरा वाला घोड़ा, फुर्ती से आ रखी है। बच गए हैं भाई सारे घोड़े, यहीं आके खड़े हैं। कोई रैबिट घने वालों वाला रैबिट है भाई, सही घोड़ा हरामी था, सबसे लड़ा जा रहा था, आखिर घेर ही दिया उसने मेरे को। मैं वहाँ पे जाऊँगा भाई बर्फ में, चलो बर्फ छूते हैं। भाई ठंडा तो नहीं है यार उतना जितना मुझे लगता था, हल्का यार ये, बहुत ज़्यादा ही हल्का है, ठंडा यार लेकिन ठंडा है। घर लेके चलते हैं यार इसको घर लेके जाऊंगा मैं, मम्मी को दिखाऊंगा। कोई ना यहाँ चलते हैं, बर्फ़ काफ़ी मतलब उतनी बर्फ़ नहीं इतनी भी एक्सपेक्ट करके आया था यहाँ पे, बट ठीक है यार अभी कल परसों यहाँ पे स्नो हुई है। ठंडे आते हैं यार ये मेरे, बैठा हूँ आई एम जस्ट ट्राइंग टू कुछ बन जाए, कुछ भी नहीं है, जो ठंडा हो गया यार सारा हाथ। यहाँ पे ना पता है स्मोक वाली फीलिंग, देखो स्मोक वाली, ये देखो अच्छा। मैंने एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, वैसे तो हुआ क्या, जो मेरा घोड़ा था ना उसने, जहाँ हमारा ड्रॉप पॉइंट था यहाँ पे हमारा, सारे रास्ते कुछ भी नहीं करा उसने, कहीं नहीं गिराया उसने मेरे को, जब एकदम एंड पॉइंट था जाके, एंड पॉइंट वहीं गिरा दिया उसने मेरे को। मैं गिरा हूँ मेरी और देख पाओ, मैं अगर दिखाऊंगा सारी पीठ गंदी है। अब मैं सोच रहा बर्फ़ में लेट कर सारी गंदपन खत्म कर दूँ, लेट लेते हैं। भाई ओ आई थिंक साफ हो गया होगा साफ या और हाँ यार पूरे जम चुके हैं यार मेरे, पैंट वैंट सब गंदी कर दिया मेरे घोड़े ने, जूता देख लो जूते भी गंदे कर दिए। एक
चीज दिखाता हूं, एक चीज दिखाता हूं। घोड़ो छोड़ दो तू हूं मेरी। अरे रियल स्नो है मेरा। मैंने ना सारा कुछ वाइट पहना हुआ था, और तो मेरे ड्राइवर ने मेरे को सजेस्ट किया कि आप अपनी जैकेट उतार लो, और नीचे मैंने वाइट पहना हुआ था, कह रहे हैं कि ना आप वहाँ से पजामा ले लेना कुछ। इतना लूट रहे हैं बंदे, इतना लूट रहे हैं। मैंने पजामा लिया, 700 रुपये का दिया उसने। लाइन से घोड़े हैं, और मैं अब नीचे जा रहा हूँ। अभी इस वीडियो के लिए बाय बाय।